अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर के भगुआपार स्थित बाबा मुंजेश्वरनाथ शिव मंदिर पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी संजय गिरी और भंडारे के आयोजक प्रीतम सिंह ने कहा, हम लोग भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सारे मंदिरों को फूलों से सजाया गया है और यहां पर भव्य भंडारे का आयोजन ग्राम प्रधान बड़े भाई धनंजय सिंह और उनके भतीजे प्रीतम सिंह जी के द्वारा किया गया है और शाम को भस्म श्रृंगार आरती उनके द्वारा किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद खिलाने का और यहाँ पर पूजा अर्चना करने का अवसर दिया जा रहा है। प्रथम सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा जो कि गोरखपुर से रानीबाग कॉलोनी के सब हमारे समिति के लोग आए हैं और सुंदर अद्भुत सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन रखा गया है और अंत में महादेव जी का श्रृंगार किया जाएगा, उसके बाद उनकी आरती की जाएगी। बहुत ही खुशी है, इतनी खुशी तो मुझे अपने पुत्र के पैदा होने पर नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे आज हो रही है, इसका कोई मैं कल्पना नहीं कर सकते हैं आपकी मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरा नाम प्रीतम सिंह है।